हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। क्लास सेकंड, आज हम चैप्टर 13 हिंदी रीडर चैप्टर 13 श मम्मी सो रही है का बुक वर्क एंड कॉपी वर्क करेंगी। तो आप सभी बच्चों का क्लास में ये वर्क हमने कंप्लीट करा चुके हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार इनको अच्छे से समझेंगे, और जिसका वर्क कंप्लीट नहीं है वो अपना बुक वर्क एंड कॉपी वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, तो आपके पास पीडीएफ भी इसकी भेजी जा रही है, तो अभी हम इसका बुक वर्क स्टार्ट करते हैं। बुक वर्क में है शब्द अर्थ, श चुप रहने का इशारा करने वाली एक आवाज़, खर खराटों की आवाज़, कर दरवाज़ा खुलने की आवाज़, तिपाई तीन पैरों वाली छोटी सी मेज, आह आह बच्चे के रोने की आवाज़, चर चर झूले के झूलने की आवाज़। अभी इसका बुक वर्क है, मौखिक प्रश्न है इसके। बच्चों की मम्मी कैसे सो रही थी? तो बच्चों की मम्मी खर खर करके सो रही थी। ये आपको दो वर्ड में ही इसके आंसर देने हैं। दरवाज़ा किसने खोला? दोनों बच्चों ने। दरवाज़ा किसने खोला था? दोनों बच्चों ने खोला। गिलास टूटने पर कौन रोने लगा? तो गिलास टूटने पर कौन रोने लगा? छोटा भाई, जो उनका छोटा भाई सो रहा था वो रोने लगा। अब इसके सही गलत है, सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। नल किसने बंद किया? ऑप्शन नंबर 1 है मीनी ने। माँ के सो जाने पर बर्तन किसने धोए? तो इसका भी फर्स्ट ऑप्शन है मीनी ने। 3 क्वेश्चन है, अलमारी में बर्तन किसने रखे? तो इसका भी ऑप्शन फर्स्ट ही है मीनी ने, क्योंकि उसका छोटा भाई बहुत छोटा था इसलिए सारे काम मीनी ने ही किए हैं। अब ये आपका होमवर्क है, आपके घर में कौन क्या क्या काम करते हैं, सबके दो दो काम लिखिए। तो जो पापा करते हैं वो पापा के काम लिखने हैं, मम्मी करती है मम्मी के, और जो आप खुद करते हो यानी कि मैं, तो वो आपके खुद के काम लिखने हैं इसमें। और यहाँ भाई या बहन किसी एक के बारे में, जो वो घर पे काम करते हैं मम्मी की हेल्प कराते हैं पापा की, वो आपको इसमें दो दो काम लिखने हैं। ओके बच्चों, अब ये है, आइए विचार करें आप कौन कौन से काम कर सकते हैं, ठीक का निशान लगाइए। तो मैं अपने आप नहा सकता हूँ या नहा सकती हूँ, जो बॉयज़ हैं वो नहा सकते हैं, इसको कट कर देंगे सकती हैं को, और जो गर्ल्स हैं वो सकता है को कट कर देंगे, तो इस पर टिक लगेगा यानी कि ये राइट है, आप ये काम खुद कर सकते हो। मैं अपना रुमाल जुराब धो सकता हूँ या धो सकती हूँ, तो ये भी राइट है। मैं अपने जूते पॉलिश कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये भी राइट है। मैं पौधों में पानी डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ, आप छोटे छोटे मग्घे में या छोटे बर्तन में लेके ज़्यादा पानी ना उठाएं, थोड़ा थोड़ा पानी आप पौधों में डाल सकते हो। मैं छोटे बर्तन धो सकता हूँ या धो सकती हूँ, तो आप ये हेल्प भी करा सकते हो घर में, तो ये भी आपका राइट है। ये सिर्फ आपकी एक्टिविटी के लिए है, पढ़िए समझिए और लिखिए। छोटा भाई छोटी बहन, मोटा गद्दा मोटी चादर, नीला आसमान नीली शाही, काला बादल काली चिट्ठी, पतला लड़का पतली लड़की, पीला आम पीली साड़ी। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, सोना चांदी, चढ़ना उतरना, सुख खुश दुखी, हंसना रोना, आलसी मेहनती, ऊपर नीचे। नीचे दिए गए चित्रों में कौन कौन से काम हो रहे हैं, ये भी आपका होमवर्क है। तो इसमें आप पिक्चर्स को देख के जो भी काम इसमें जो कर रहा है, बच्चा हो या बड़ा हो, वो आपको इसमें फिल करना है। जैसे फर्स्ट पिक्चर में है, यहाँ पे खाना बना रही है, तो यहाँ पे महिला खाना पकाती है। सेकंड में है, दो बच्चे खाना खा रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चे खाना खा रहे हैं। थर्ड में है, लड़की दौड़ रही है। फोर्थ में है, लड़की लिख रही है। फिफ्थ पिक्चर में है, लड़का पढ़ रहा है। और सिक्स में है, लड़की या महिला सोती है। ठीक है बच्चों, अभी इसका कॉपी वर्क कर लेते हैं। शब्द अर्थ, श चुप रहने का इशारा करने वाली आवाज़,
खर 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 खराटों की आवाज़, कर कर दरवाज़ा खुलने की आवाज़। तिपाई, तीन पैरों वाली छोटी सी मेज, आह आह बच्चे के रोने की आवाज़। चर चर झूले के झूलने की आवाज़। ये आपके शब्द अर्थ हैं, ये आपको सभी को लर्न करने हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं, कौन कौन सो रहे थे? तो मम्मी और छोटा भाई दोनों सो रहे थे। कौन कौन जाग रहे थे? मिनी और मन्नू जाग रहे थे। सबसे छोटा भाई कहाँ सोया था? तो छोटा भाई जो है मम्मी के पास सो रहा था। मम्मी ने मिनी और मन्नू के लिए क्या बनाया? तो मम्मी जब सो के उठी, उन्होंने देखा कि बच्चों ने जो है सारे बर्तन साफ कर दिए हैं, तो उन्होंने बच्चों क्या बनाया था जो हमने चैप्टर में रीडिंग किया है, तो माँ ने मिनी और मन्नू के लिए खीर बनाई थी। ओके बच्चों, तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, सभी को समझ समझ के इसकी चैप्टर की रीडिंग भी अच्छे से करनी है, इसका सारा बुक वर्क अच्छे से करना है। और ये जिसका काम कंप्लीट नहीं है वो दोबारा से आप ना कॉपी और बुक वर्क दोनों कॉपी कंप्लीट कर लें। ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।